जो मीटिंग आपने ली है वो मुख्य तौर पे क्या फोकस रहा और किस तरह के निर्देश दिए गए आपके द्वारा? आज जनपद महाराजगंज में सभी थानाध्यक्ष सभी राष्ट्रपति तत्कारी की बैठक की गई है, जिसमें कानून व्यवस्था के संबंध में समीक्षा की गई और अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जनता के साथ मित्रवत व्यवहार बनाए। इसके लिए एक ऑपरेशन मुलाकात जनपद में चालू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी पुलिसकर्मी, चाहे वो SP रैंक के हों या कांस्टेबल रैंक का, वो अपने अपने विजिटिंग कार्ड छपाएंगे और पैदल गश्त के दौरान जो स्थानीय व्यापारी हैं उनसे संपर्क स्थापित करेंगे, उनसे वार्ता करेंगे, उनको अपना विजिटिंग कार्ड देंगे, उनसे उनकी समस्याओं को पूछेंगे और उनको समय समय पर चौकी पर थाने पर चाय के लिए आमंत्रित करेंगे, ताकि थाने पर जाने की जो झिझक है पब्लिक वो दूर। और गांव में यही व्यवस्था चौपाल के माध्यम से की जाएगी। हर व्यक्ति, जनता का व्यक्ति, अपने स्थानीय पुलिस अधिकारियों को पहचाने। जो बीट का आरक्षी है उसको गांव के लोग पहचाने। अगर कोई चौकी इंचार्ज है उसको उस चौकी क्षेत्र के व्यापारी पहचाने। इसी तरह थानाध्यक्ष को वहाँ के सभी लोग पहचाने। साथ ही अपराधियों पर लगाम कसने के लिए ऐसे अपराधियों की सूची तैयार की जा रही है जो हमेशा असला लेकर के चलते हैं, अवैध असले लेकर के, और अपराध करने में गोली का प्रयोग करते हैं। व्यापारियों के साथ लूट के साथ साथ गोली भी चलाते हैं, पुलिस पर भी हमला अक्सर कर देते हैं। ऐसे अपराधियों की सूची तैयार की जा रही है ताकि पुलिस जब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जाए तो पूरी तरह तैयारी के साथ आए, मानसिक रूप से तैयारी के साथ जाए कि दूसरी तरफ से गोली चल सकती है तो हम लोग भी गोली का जवाब गोली से दें और हमको कोई नुकसान पुलिस को ना। इसके अलावा जो गंभीर अपराध घटित हुए हैं, लूट के हैं, वाहन चोरी के हैं, हत्या के हैं, इन सभी मामलों में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत, गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जो बड़े अपराधी हैं या माफिया हैं उनकी संपत्ति खोल करने के निर्देश दिए गए हैं। अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली जा रही है ताकि वो पुलिस की नज़र से ओझल न हो। थाना दिवस को केवल प्रार्थना पत्र कलेक्शन का सेंटर ना बनाया जाए, बल्कि उस दिन दोनों पक्षों को बुला करके और जो संबंधित लेखपाल हैं समस्याओं का समाधान करें। थाना दिवस को थाना समाधान दिवस के रूप में मनाया जाए, ना कि प्रार्थना पत्र कलेक्शन के रूप में। तो दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा, उसके लिए नोटिस जारी करे जाएंगे, वो संबंधित पक्ष अपने अपने अभिलेख लेकर के थाने पर उपस्थित होंगे और थाना दिवस वाले दिन उनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर के क्या तैयारी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन की सूचना है हम लोगों को, उसके अनुसार सभी तैयारियां जनपद में हो रही हैं। हेलीपैड लगभग तैयार हो चुका है, इसके अलावा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। बाहर के जनपदों से भी फोर्स उपलब्ध कराई जा रही है, कई कंपनियां PAC यहाँ पर लगाई जा रही है। नेपाल का बॉर्डर होने के मद्देनज़र LIU तंत्र को भी पूरी तरह से सतर्क किया गया है। होटल ढाबों इत्यादियों की चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। बॉर्डर पर भी अलग से पेट्रोलिंग व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं। इसके अलावा जो समीक्षा के बिंदु हैं उसकी भी तैयारी की गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को हम लोग सकुशल संपन्न कराएंगे।